नमस्कार, श्रीमान उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 पाठ 6 केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार में आज हम पढ़ेंगे लोकसभा की संज्ञा। सबसे पहले हमने पढ़ी थी संसद की संज्ञा, और संसद की संज्ञा जब हमने पढ़ी थी तो देखो ये सबसे पहले है कि संसद किससे मिलकर बनती है, लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। इन तीन से मिलकर अपनी जो संसद बनती है। अब अगर संसद की संज्ञा पढ़नी है, आज हम पढ़ लिया लोकसभा की, जो संसद की संज्ञा है उनसे मिलती जुलती आपकी लोकसभा की संज्ञा है। तो आज हम पढ़ेंगे लोकसभा की शक्ति, और सबसे पहले जो शक्ति है वह है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के अंतर्गत क्या होता है, कोई भी कानून का निर्माण करना, किसी भी विधायी या कानून का निर्माण करना है। और भारत की संसद में जब कानून जाएगा।
है, अन्यथा नहीं। अगली है आपकी संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान संशोधन करने का अधिकार लोकसभा और राज्यसभा को ही दिया गया है। दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्ताव को रखा जा सकता है और दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत या दो तिहाई बहुमत से संविधान के संशोधन किया जा सकता है और अनुच्छेद 368 के अनुसार अधिकांश भाग में अकेले संसद के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। द्वारा ही संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन किया जा सकता है। संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा ही संविधान के संशोधन किया जा सकता है, दूसरे के द्वारा नहीं। अगला है निर्वाचक मंडल के रूप में। निर्वाचक मंडल के रूप में अनुच्छेद 54